कह रहे हैं ऊपर बिजली की तार पकड़ने आ रहा है। अरे वापसी आ जा, अरे आ जा वापसी भाई, मत मरे, क्यों मरने। बेंगलोर में मैंने कुछ देखा ऐसा कि भाई मेरी आंखें चौंक गई। मैंने भाई क्या करा, लोकोमोटिव पे ये पेपर देगा जो साइन हो रखे हैं, इसके बाद ही भाई ट्रेन चलती है। देखो ये गया भक्के, मान नहीं रहा, देख देख देख। तो भाई गुड मॉर्निंग, आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है भाई, वो होने वाली है कोयम्बटूर एक्सप्रेस में। जो हमारी ट्रेन की आज जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 1496 किलोमीटर की जर्नी। और भाई आप ही देखो, 1496 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए ये ट्रेन पूरे 28 घंटे 55 मिनट ले रही है। मतलब आप 30 घंटे ही मान लो, अगर आधे पौने घंटे लेट हो जाते तो पूरे 30 घंटे ले रही है, जो कि ये 20-22 घंटे की जर्नी भी हो सकती थी। तो लेकिन भाई इस ट्रेन को इतना घुमा के लेके जाया जा रहा है बैंगलोर, ये इधर उधर होते हुए अलग रूट पर डाल दिए, जिसकी वजह से इसके पूरे भाई आप देखो तो पूरे आठ घंटे लोगों के बढ़ा दिए हैं इस ट्रेन ने। तो आओ देखते हैं इस ट्रेन का क्या क्या होने वाला है। इस ट्रेन में 1992 में इस ट्रेन ने अपनी पहली जर्नी कंप्लीट करी थी भाई, तो इस बात का ध्यान रखना। 92 कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ आपको 8 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और बात करते हैं कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से आप आदियोगी भी जा सकते हैं। आदियोगी जो कि पड़ता है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर से 32 किलोमीटर है। यहाँ से आपको बाय रोड, बस या टैक्सी या ऑटो के थ्रू आप जा सकते हैं। तो भाई बात करते हैं आज के मौसम की। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इधर का जो मौसम हो रहा है ना, वेदर अभी फ़िलहाल बारिश वाला हो रहा है भाई। ये देखो मौसम हो रहा भाई बारिश। हमारी जो इस ट्रेन का टाइम है भाई वो है 8:50 पे कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से। और भाई हमें ये कल दिन में 1:47 पे LTT मुंबई हमें पहुंचा देगी। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उस वीडियो में हम ये दिखाएंगे हम कितने परेशान होते हैं 22 घंटे की जर्नी को 30 घंटे में करके। इस कोयम्बटूर एक्सप्रेस में आपको भाई स्लीपर क्लास के खाली 3 ही डब्बे देखने को मिलेंगे। हाँ भाई ओनली 3, S1, S2 और S3। और उसके बाद जो डब्बा लगा हुआ है वो लगा हुआ है जनरल, और बाकी सारे AC है भाई इसमें। 3 टायर, 2 टायर और सिंगल टायर AC की सुविधा भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ भाई, आज हमें जो लोकोमोटिव लेके जाने वाला है वो कौन सा लोकोमोटिव है वो मैं तुम्हें दिखाने लेके चलता हूँ भाई, आओ। तो भाई हमें जो लेके जाने वाला था वो लेके जाने वाला था VAC 7, लेकिन भाई इस वैक टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से अर्जेंट में भाई हमें दिया है इन्होंने VAC 9। तो भाई ये जो लोकोमोटिव हमें लेके जाने वाला है भाई वो लेके जाएगा हमें बैंगलोर तक। बैंगलोर के बाद यहाँ इसमें दूसरा लोकोमोटिव लगेगा और वो हमें फिर आगे लेके जाएगा। तो आज हम VAC 9 के साथ चल रहे हैं बैंगलोर तक, उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा लोकोमोटिव अटैच होता है। ठीक 8:50 पे कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है भाई। ये देखो ये हो रही है लड़ाई यहाँ। तो भाई ठीक निर्धारित समय से 8:50 पे हमारी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है अपने कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से।
निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से भाई पहुंच गए हैं हम ईरोड जंक्शन पे। सौ किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं ईरोड जंक्शन पे। तो भाई बात करते हैं ईरोड जंक्शन की, ये पड़ता है तमिलनाडु में। और अभी हम कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और भाई बात करें ईरोड जंक्शन की, तो यहाँ पे आपको 4 प्लेटफॉर्म और 12 ट्रैक देखने को मिल जाएंगे। इस रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है भाई ED। भाई 10:36 मतलब 10:36 पे हमारा ईरोड जंक्शन से डिपार्चर भाई हो गया है। ये देखो लुंगी वाला चाचा हाथ हिला रहा है, वो सॉरी चाची है। तो और आपको इधर भाई जितने भी यहाँ पे स्टेशन पे काम करने वाले वर्कर मिलेंगे ना भाई, ज़्यादातर मिलेंगे वो फीमेल्स। ये देखो ईरोड जंक्शन हम कर रहे हैं क्रॉस। अब मिलते हैं हम आपको सेलम रेलवे स्टेशन पर, जब तक आप ट्रेनों के ट्रैक के और वादियों के मजे लो। भाई अभी हम आ गए हैं इस ट्रेन के जनरल कोच में। एक बात बताऊं मैं आपको, इस ट्रेन के जनरल कोच में भी आप आराम से बैठ के सफर कर सकते हो, इतनी भीड़ नहीं होती है भाई। इधर कोयम्बटूर एक्सप्रेस 11:014 पगार कितनी होगी? रुकेगी नहीं रुकेगी यहाँ पे? मुंबई
भाई सेलम। फिलहाल 160 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद भाई हम आ गए हैं तमिलनाडु के A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन सेलम पे। भाई यहाँ इसी स्टेशन की बात करें तो भाई इसी स्टेशन पे इंडिया की तीनों सबसे लंबी जर्नी तय करने वाली ट्रेनें भाई इसी स्टेशन पे उस ट्रेनों का स्टॉप है। पहली भाई विवेक एक्सप्रेस, दूसरी अरुणई एक्सप्रेस और तीसरी हिमसागर एक्सप्रेस। भाई तीनों ट्रेनों का इस स्टेशन पे स्टॉप दिया हुआ है। और भाई बात करते हैं इस स्टेशन को 2017 में भाई साफ सफाई के लिए 2017 में एक अवार्ड भी मिल चुका है। तो भाई इतना फेमस रेलवे स्टेशन है और इतना साफ रेलवे स्टेशन है तमिलनाडु का, तमिलनाडु सरकार ने इस स्टेशन को साफ सफाई के नाम पे 2017 में एक अवार्ड भी दिया हुआ है। तो भाई ये देखो फिलहाल भीड़ देखो कितनी चढ़ रही है, इसके अंदर सामान पूरा का पूरा पेटी की पेटी भाई चढ़ रही है। ये देखो ये है भाई, ये देखो इस ट्रेन के अंदर भाई जो यहाँ की जो सवारी है भाई वो सवारी है एक एक दो दो स्टेशन की सवारी है। एक स्टेशन चढ़ती है अगले स्टेशन उतर जाती है, एक स्टेशन में भीड़ बनती है दूसरे स्टेशन पे ट्रेन खाली हो जाती है। तो भाई अब हम चल रहे हैं अपनी ट्रेन में। भाई देखो ये हो आ गए हैं स्लीपर में। भाई देखो ये जो बंदा भग रहा है, ये बंदा जाके स्टेशन पे ये बंदा जाके लोकोमोटिव पे ये पेपर देगा जो साइन हो रखे हैं, इसके बाद ही भाई ट्रेन चलती है। देखो ये गया भग के, ये लोकोमोटिव को देगा उसके बाद ट्रेन चलेगी। सिग्नल हो गया इसका ग्रीन, ये देखो ये पकड़ाएगा इसको पेपर, ये पेपर पकड़ा दिया ठीक है, अब ट्रेन चलेगी। भाई देखना तो ये सारे मिलने वालों की गिनती है, जाने वाला इनमें से एक है और मिलने वाले देखो भाई कितने सारे हैं, छोड़ने आए हैं अपने चाचा मामा मामा को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अरे चलो चलो हो गया निकलो, अब ट्रेन चल जाएगी। ओ, ओ अम्मा अट जा, हाथ डाले अट जा पीछे, झटका लगेगा एकदम से। चलेगी आगे, हट जा मान नहीं रहा, देख 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 देख, अब साथ ही आ जा अंदर। तो भाई सेलम रेलवे जंक्शन से हमारा हो चुका है डिपार्चर। हम निकल चुके हैं भाई सेलम रेलवे जंक्शन से, दिखा दी है टीटी साहब ने हरी झंडी। लो भाई और देखो भाई साफ सफाई के मामले में ये स्टेशन देख रहे हो, स्टेशन तो निकल गया उसके बाद भी बिल्कुल साफ है, इसीलिए तो इस स्टेशन को अवार्ड मिला हुआ है। ये ग्रीन सिग्नल भाई ये अपनी ट्रेन का है। ये देखो भाई बाय बाय, मिले नहीं बिरयानी यार, बोले सुनना और एक बात और भाई, जो भी इस ट्रेन के अंदर कुछ भी सामान देखने आ रहे हैं ना वो भी सारी फीमेल्स आ रही है, लेडीज देख रहे हो। देखो ये आ गए आम, ये चचा आ गए, एयरफोन टाटा केबल बलून एयर फिलो एटीएम कार्ड आधार कार्ड कवर, देख लो लुंगी में आम बिक रहे हैं, यहाँ पे बिक रहा है।
तो भाई पूरे 381 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में। तो भाई बैंगलोर KSR रेलवे स्टेशन इसकी बात करें तो भाई इस रेलवे स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म और 18 ट्रैक है जो कि बहुत बड़े एरिया में है। तो भाई बात करते हैं बैंगलोर की, तो बैंगलोर में आपको 4 रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, वो भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, KRपुरम, यशवंतपुर, बैंगलोर कैंट और बैंगलोर KSR। तो भाई बात करते हैं हम कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर की। तो भाई अभी अभी हमारी ट्रेन इधर आके खड़ी हुई है और इस ट्रेन का यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का बेंगलुरु KSR में आके लोकोमोटिव चेंज होता है। तो भाई अभी यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 15 मिनट का इसका तो ऑफिशियली टाइम है, लेकिन अक्सर लोकोमोटिव चेंज होने में कम से कम भाई 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो भाई मैं आपको दिखाऊंगा अब हमें कौन सा लोकोमोटिव लेके जाने वाला है वो। तो भाई बात करते हैं बैंगलोर KSR की। तो भाई बैंगलोर KSR से हिंदुस्तान की जो पहली संपर्क क्रांति चली थी वो पहली यशवंतपुर से होकर निजामुद्दीन, तो भाई वो पहली संपर्क क्रांति अपने बैंगलोर से चली थी। और भाई बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे जो इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 उदय एक्सप्रेस चल रही है वो भाई यशवंतपुर बैंगलोर KSR पे आती है। तो भाई इसी हिसाब से आप देख सकते हो ये कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो भी महंगी महंगी ट्रेन है वो बैंगलोर आती है। तो ये देखो भाई कहाँ घूम रहा है ये बंदर, आज ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ ट्रेन पे चढ़ गया भाई। वापसी आ जा, सब कह रहे हैं ऊपर बिजली की तार पकड़ने आ रहा है। अरे बाप, अभी अभी बैंगलोर में मैंने कुछ देखा ऐसा कि भाई मेरी आंखें चौंक गई। मैंने भाई क्या करा, बंदे को चिल्लाया, सबको बताया, भाई एक बंदा ट्रेन के ऊपर चढ़ के बिजली की तार पकड़ने आ रहा है, बताओ, बिजली की तार मरने के लिए आ रहा है। तो भाई मैंने सबको बताया कि भाई उतर जा नीचे, इतना मरने के लिए जा रहा है, तार पकड़ने के लिए जा रहा है। तो भाई उस बंदे को मैंने बोला भाई उतर जा नीचे, तो पब्लिक ने समझाया, तो भाई वो बंदा नीचे उतर गया, उस बंदे की जान बचा ली। तो भाई इस स्टेशन का जो कोड है वो है भाई SBC और भाई यहाँ पे 5.5 लाख लोग डेली अप डाउन करते हैं इस स्टेशन से अलग अलग सिटियों में। तो भाई इस हिसाब से बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो भाई ये छोड़ने वालों की भीड़ है, देखो ट्रेन चल गई तब उतरे हैं। बाय 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 बाय। तो भाई बेंगलुरु से हम आए थे इधर, जब बेंगलुरु आए थे अब जा रहे हैं हम वापस इधर अनंतपुर की साइड, अब हम जा रहे हैं और यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है। ये देखो भाई,
दिन में। तो भाई आज का हमारा डिनर का टाइम हो चुका है। और भाई डिनर देखो, हम पहली बात कहाँ पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई पैंट्री में। आज का डिनर हमारा पैंट्री में, और डिनर में अंडा करी, दाल, छोले, चावल, अचार और भाई चार चपाती अलग से स्पेशल अपना डिनर है। उसमें ये मिर्ची भी ऐड हो गई है। तो भाई देखो यही चल रहा है अपना खाना, लस्सी वगैरह सब ठाट से बैठे हैं, आराम से फुल मौज चल रही है। तो और तुम्हें दिखाते हैं, आगे मिलते हैं खाना वाना खाने के बाद। शंकर भगवान की जय। छः सौ 17 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद कोयम्बटूर एक्सप्रेस आ चुकी है अपने अनंतपुर स्टेशन पे। तो भाई सुबह 8:50 पे कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन निकली थी। और भाई अभी तक रात को 11 बजे तक इस ट्रेन ने ओनली 617 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करी है। तो भाई आप देखो कितने लंबे रूट से और कितनी धीरे धीरे ये ट्रेन चल रही है। तो भाई इसमें आपको मैं एक बात बता दूँ, पेंट्री की सुविधा है और खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा इस खाने का, और भाई मैंने तो पेंट्री कार में बैठे खाना खाया है। और भाई इस टाइम 11 बज चुके हैं, अब मैं आपको मिलूँगा सुबह, क्योंकि भाई वीडियो जो है ये देखो भाई, मैं मिलूँगा अब आपको सुबह। और अब मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए, तो फिर देखते हैं वीडियो में। अब मिलते हैं आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो स्टेशन पे हमारी आँख खुलेगी वो स्टेशन में मिलते हैं। तो भाई हम चलेंगे तुम्हारे साथ मुंबई तक कोयम्बतूर से जैसे हम आए हैं। तो भाई वीडियो में बने रहो, लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो। तो भाई अनंतपुर रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के समय के बाद अपना डिपार्चर हो चुका है। भाई यहाँ से भी पहुँचने में हमें कम से कम 3 घंटे और लगेंगे। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं सुबह 10:25 पे पूना जंक्शन पे। और पूना जंक्शन भाई अभी अभी बस आँख ही खुली है, जैसे सो रहा था मैं एकदम से आँख खुली तो पूना जंक्शन आ गया। जैसे आया मैं, जैसे आँख खुली वैसे उठी मैं जाने लगा, तो भाई ट्रेन चल गई, इसीलिए मैं इस टाइम यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो अब मिलते हैं हम आपको अगले स्टॉप पे, जो भी इसका स्टॉप होता है उसके स्टॉप पे। ठीक है भाई, जब तक के लिए आप रस्तों के सफ़र के मजे लो। भाई
ये ना गलत ट्रैक पे लिया मुझे लग रहा है ऐसा। तो भाई हम आ गए हैं ठाणे रेलवे स्टेशन पर। तो भाई ठाणे रेलवे स्टेशन मुंबई मुंबई में पड़ता है, और मुंबई में भाई तुम्हें पता है लोकल चलती है, और लोकल में जो भीड़ होती है ना वो देखो।
सारी जो ये भीड़ है ये लोकल की भीड़ है। अगर आप कभी मुंबई में सफर करने आते हो तो आप भी हमेशा लोकल को यूज करना भाई, तो बेस्ट रहेगा ऑप्शन। हमारी 1476 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो गई है और हमारी भी जर्नी यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो भाई हमारी जो ये वीडियो है आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट करके बता। कोयम्बतूर एक्सप्रेस की जर्नी आपको कैसी लगी, और भाई किसी भी ट्रेन की आपको जर्नी देखनी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई जब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, संजय का ब्लॉग चैनल देखते रहो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए सफर के साथ। बाय बाय।